इन समस्याओं के क्या हल हैं, ये हम इन समितियों की रिपोर्ट आने के बाद अपनी एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट देंगे, जिसमें अल्टरनेटिव मॉडल क्या है और हम हमारी सोच क्या है इन समस्याओं के बारे में, वो हम बताएंगे। हमारा काम केवल सरकार की या कांग्रेस की आलोचना करना नहीं है, हमारा काम यह है कि हम दिल्ली के अंदर विकास कैसे करेंगे जब हम सत्ता के अंदर आएंगे। हम चाहते हैं दिल्ली का भी विकास, उसकी उन्नति वैसे ही हो जैसे बीजेपी शासित प्रदेश गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों में हुई है, जिसके उदाहरण आज पूरा देश में लोग देते हैं और जिसके उदाहरण मीडिया के भी जो कार्यक्रम या जो अवार्ड फंक्शन होते हैं उनमें दिए जाते हैं, और या फिर वो दिल्ली पुलिस हो, ताकि उस क्षेत्र के नागरिक उसी क्षेत्र में से वो सुविधाएं ले सकें और उनको ये कंफ्यूजन नहीं हो कि इस एजेंसी के लिए मुझे उस क्षेत्र में जाना, उस इलाके में जाना है और दूसरी एजेंसी के लिए मुझे दूसरे इलाके के अंदर जाना है। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक उदाहरण दिया है ताकि आपके सामने ये स्पष्ट रहे कि हम कैसे सोच रखते हैं। हम दिल्ली में बेहतर शासन प्रशासन और समस्याओं के लिए सोशल मीडिया के जरिए यूथ को इन्वॉल्व करेंगे और उनसे भी सुझाव मांगेंगे कि वो प्रति व्यक्ति 226 लीटर पानी दे रहे हैं। एक तरफ शीला दीक्षित सरकार का दावा है कि वो प्रति व्यक्ति 226 लीटर पानी दे रहे हैं, पर आधी दिल्ली आज प्यासी है, आप कहीं जाकर देख लीजिए। तो मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के साथ कितना धोखा कर रही है, इसका एक उदाहरण सबसे बड़ा है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। उन्होंने पिछले सालों के अंदर प्रोविजनल सर्टिफिकेट सोनिया जी के हाथ से कटवा दिए, पर आज तक एक भी कॉलोनी निमित नहीं हुई। मैं आज अनाधिकृत कॉलोनियों पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, एक भी कॉलोनी निमित नहीं हुई। वहां सुविधाएं नहीं, वहां खरीद बेच आज हो नहीं सकती, वहां लोन मिल नहीं सकता, सिर्फ कह देने भर से निमित नहीं होंगी। ऐसा खुद मुख्यमंत्री अपने ही केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में ये कहती है और फिर दो टेम्पो सजाकर आवाज नाम उनको देकर ये दिखाना चाहती है कि इससे सारी महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी। तीन बार कुर्सी लेने के बाद वे चौथी बार कुर्सी पर आसीन होने के लिए झूठी घोषणाएं कर रही हैं, जनता को लालच दे रही हैं, यह सब ठीक नहीं है। उन जैसी महिला के लिए जो कि इतने साल से राज कर रही हों,